नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं आपके साथ राहुल चौधरी। आज बात बीजेपी के विधानसभा चुनावों में सांसदों को उतारने वाली रणनीति पर। जब से बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को राज्यों में उतारना शुरू किया है, राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की सियासी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है, जबकि कुछ का कहना है कि असल में उनके नेताओं की जनता के बीच कितनी पकड़ है बीजेपी ये चेक करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने सारे ब्रह्मास्त्र बाहर निकाल दिए हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर तेलंगाना तक अपने बड़े दिग्गज नेताओं को चुनावी अखाड़े में उतार दिया है। दरअसल पार्टी की इस रणनीति को लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए अब तक 21 सांसदों को टिकट दिया है। बीजेपी ने तेलंगाना में अपने सबसे कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बांडी संजय कुमार को भी मैदान में उतार दिया है। यही नहीं, बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ने डर के मारे ये सब किया है, लेकिन कुछ का कहना है कि पार्टी का असल मकसद कुछ और है और पार्टी 2024 की तैयारी कर रही है। तेलंगाना चुनाव में बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह के निलंबन को वापस लेते हुए उन्हें गोशा महल सीट से फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि ये वही टी राजा सिंह हैं जिन पर कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप लगा था। बीजेपी ने अभी तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चुनावों में अपने 21 सांसदों को मैदान में उतारा है। इन राज्यों में अगले महीने मिजोरम विधानसभा के साथ ही चुनाव होने हैं। दरअसल बीजेपी ने इस दांव के साथ लोकसभा चुनावों की तैयारी को भी परखने की कोशिश की है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने सांसदों को मैदान में उतारकर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहले, इससे सांसदों की लोकप्रियता का भी अंदाजा हो जाएगा। दूसरा, वोटरों को यह संदेश देना कि बीजेपी इन चुनावों के लिए कितनी गंभीर है कि अपने दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतार रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 7, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 4-4 और तेलंगाना में 3 सांसदों को टिकट दिया है। हालांकि अलग अलग राज्यों में सांसदों को मैदान में उतारने के पीछे के कई और भी कारण हैं। मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को उतारने के पीछे राज्य में सत्ता विरोधी लहर से निपटने की रणनीति है, लेकिन अन्य 3 राज्यों में ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बीजेपी यहां पर सत्ता में नहीं है। अब जानकार इसके पीछे 2 अन्य कारण मानते हैं। पहला, बीजेपी को लगता है कि इन राज्यों में पार्टी का नेतृत्व कमजोर है, स्थानीय नेताओं की जनता के बीच पकड़ कमजोर है। इसके अलावा पार्टी को लगता है कि वो राष्ट्रीय नीति के साथ जनता को साध सकती है, मोदी सरकार के कामकाज गिनाकर जनता को अपने पाले में किया जा सकता है। इसी वजह से बीजेपी ने राज्यों में सांसदों और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को चुनाव में उतार दिया है। दूसरा ये कि बीजेपी ने इन राज्यों के पुराने दिग्गज नेताओं को साइड करके उनकी जगह नए नेतृत्व को उभारने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे के चेहरे के बजाय पार्टी ने यहां सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके पीछे भी बीजेपी की यही रणनीति बताई जा रही है। कुछ जानकार कहते हैं कि शायद इन दिग्गज नेताओं को केंद्र की राजनीति में सक्रिय कर और युवाओं को मौका देकर पार्टी युवाओं के बीच माहौल बनाना चाहती है। अब बीजेपी की यह रणनीति कितनी असरदार साबित होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।